नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। अभी मैं भागलपुर ज़िला से दक्षिण साइड में जो बांका ज़िला है, बांका ज़िला के जो अमरपुर विधानसभा है और यहाँ विधानसभा के जो है विधायक जयराम राय है, जो कुशवाहा है वो विधायक हैं। तो हम क्षेत्र घूमने आए थे तो सोचे क्यों नहीं एक छोटा सा वीडियो बनाकर इस क्षेत्र के बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ मिथिलेश जी हैं और मिथिलेश जी को इस क्षेत्र के बारे में जानकारी है, क्या खेती होता है और कैसे लोग यहाँ रहते हैं, हम पूरी जानकारी आपको देंगे। 5 मिनट आप वीडियो में बने रहिएगा। तो अच्छा मिथिलेश जी, बताइए कि यहाँ खेती कैसे होता है? यहाँ तो देखते हैं कि ज़्यादातर बालू, लाल वाला बालू होता है। ये जो खेती है ना, इसमें पानी लगा है अभी, कोई खेत डूब गया है, कोई खेत कुछ हो गया है, केदवल लगा के सब खेत को जोतेगा, फरेगा, धान रोपाई होगा। ज्यादा खेती क्या चीज का होता है? धान का, मशहूर खेती धान का। धान का यानी फसल जो है धान का होता है, धान गेहूं दाल गेहूं सब ज्यादा होता है। और यहाँ लाल वाला बालू ज्यादा है, लाल पानी जो होता है वो फिर ज्यादा नीचे चला जाता है। तो यहाँ के लोग खेत में पानी कैसे देते हैं? पानी नहर से देते हैं, ये नहर वहाँ से आगे से आया हुआ है, डैम से डैम से आके नहर से जरिए तो हर एक किसान जो है खेती में अपने अपने खेत में पानी देते होंगे। 10-20 किसान मिल के मान देता है, उसके बाद चला जाता है खेत में, उससे भी सुखाड़ हो जाता है, सभी आदमी मिल के जाता है गांव का डैम पे सभी आदमी पानी मांग करता है। इस क्षेत्र में जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, इस क्षेत्र में जो है पंप जो है हम जो लोग बोलते हैं हैंड पंप, वो यहाँ नहीं गलता है। वो गलता है लेकिन समरसेबुल गलाएगा तब, ये छोटा मोटा बोरिंग नहीं होता है, किस फीट पे पानी आता है, ज़्यादा गलाने के बाद जो नीचे पहाड़ है जिसको छेद करके उसके बाद जाएगा समरसेबुल, 300-400 फीट तक पानी आएगा। मतलब ज़्यादा खर्चा होता है, ज़्यादा खर्चा होता है, 1-1.5 लाख से ऊपर होता है। अपना किसी किसान को का नहीं, अकेले कोई कर सकता है? कर सकता है, 5-6 किसान मिलकर वो कर सकता है? कर सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। यहाँ का जो है पानी भी चपा कर नहीं देता है, सूख जाता है। उसके बाद गांव में एक मंदिर है भोला बाबा का, वहाँ पे एक कुआं है, एक चपा कल है, वहीं से गांव का लोग सामने लाइन लगता होगा, पानी लाइन लगता है, हम लेंगे तो हम लेंगे। देखिए यहाँ जो है अमरपुर में है और ये बांका जिला में पड़ता है और अमरपुर जो है विधानसभा है। मिथिलेश जी जो है यहाँ के जो जानकारी थे इसके बारे में बताया, और कुछ जानते हैं तो बताइए। गांव का नाम बंदूडी है, बंदूडी। देखिए यही जो एक नहर है, इस नहर में जो है पानी हरदम आती, पानी कहाँ से आता है इस नहर में? डैम से आता है, डैम से पानी आता है, मांग करता है तभी आता है, नहीं तो नहीं। पानी मांग करके सब किसान जो अपने अपने खेत में डालते रहते हैं। तार का है, सब जो है अपना बगीचा पौधे लगाए हुए हैं, लूची का यहाँ है, आम है, लतम का भी बगीचा है। अच्छा यहाँ जो खेती गेहूँ अथी होता है और सब जो गेहूँ सब तो नहीं होता है? गेहूँ होता है। मकई भी होता है। करीब बूट भी होता है। बूट क्या? बादाम। अच्छा, बूट बादाम को बोला जाता है। और यही नहर है, देखिए कि पूरे जो है खेत में जो है यहाँ जो है हर एक खेत में जो है आर जो है वो नहीं बनाया जाता है, अरेत नहीं बनाया जाता, एकदम समतल करके पानी ढला छोड़ो, पानी एकदम छोड़ दीजिए, चाहे समरसेबुल से चलाइए चाहे इंजन से चलाइए, एकदम फुल कर दीजिए, फुल, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें आप धान लगाइए, जैसे अपने इधर बनाते हैं पंचका बनाते हैं छोटे छोटे, एक लगे का 5.5 हाथ का, 6.5 हाथ का लगा, एक लगा होता है, यहाँ वो नहीं बनता, वो नहीं, यहाँ एक बार चारों के लिए आर बम दो पानी जाएगा, एकदम फुल पूरा फुल कर दीजिए पानी, एकदम जैसे पानी है अभी खेत में इसी तरह। देखिए हमारे खेतों में पानी पड़ा हुआ, इसी तरह खेत में पानी डाल के इसको कदवा लगा के डायरेक्ट जोत करके इसमें धान लगा, बिचर गिराया हुआ है वहाँ। अच्छा इतना जानकारी आपको कैसे है क्षेत्र? आप तो भागलपुर से हैं लेकिन यहाँ बराबर आते जाते हैं ना, यहाँ खेती भी किए हैं ना। आने का मकसद यहाँ क्या था आपका? रिश्तेदारी है, इसीलिए इतना सब चीज आपको जानकारी है। खेती भी किए हैं ना? खेती भी किए। फरेगा तब, अभी बेल इसमें नहीं फरा हो गया है, खत्म है।
यहाँ जो है मिथिलेश जी लाल वाला जो बालू है सस्ता मिलता होगा? हाँ सस्ता ही मिलता है, पूरा सस्ता सस्ता। यहाँ गांव वाले के लिए बालू फ्री है, बाहर कोई ले जाएगा तभी इसका बिक्री होगा, नहीं तो गांव वाले के लिए फ्री है, ले जाओ अपना घर द्वार बनाओ। बालू फ्री में और सीमेंट छड़ जो है वो सब तो खरीद के लाना पड़ेगा, यहाँ तो फैक्ट्री है नहीं बालू, यहाँ पानी में बालू है, इस बालू को ले जाइए घर बनाइए, सामाजिक स्वास्थ्य है। जो सुल्तानगंज नहीं जा पाता है वो यहीं पे जलाता है, मतलब यहाँ जो है लाश भी जला दिया जाता है इसी? हाँ, यहाँ पे लाश जो गरीब आदमी है सुल्तानगंज नहीं जा पाता है वो यहीं पे जला लेता है। यहाँ से सुल्तानगंज कितना किलो दूर? काफी दूरी है, लगभग 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर यहाँ से तो ढेरी, मतलब कहीं वो गाड़ी करता होगा तो एक गाड़ी में कम से करता है, बस पे ले जाता है। सुल्तानगंज भागलपुर में पड़ता है जी? हाँ भागलपुर में। और देखिए ये जो है बोलो भाई कुछ बोलो बोला इसको कुछ नहीं बोलने आता है बोला